आप सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु यीशु के नाम में एक और बार आप सभी को मैं इस चैनल में स्वागत करता हूँ। वेलकम टू दिस चैनल, कम टू जीजस। आइए आज भी हम प्रभु का एक और वचन को हम लोग ध्यान करेंगे। उससे पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके वचन को सुनने के लिए एक और दिन दिया है। प्रभु धन्यवाद, आपका वचन के द्वारा आप हमसे बात करें। पवित्र आत्मा, आपकी महिमा हो, हमें अगुवाई कर, यीशु के नाम में आमीन। तो आज भी हम प्रभु का एक और वचन को ध्यान करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ आप लगातार जो भी पीछे जो वचन को बताए हैं उसको आप लगातार सुनते आ रहे हैं। तो आज भी हम एक और वचन को ध्यान करेंगे, नीति वचन, उसका 28 का 13 वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 28 वर्स 13। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। आमीन। जो अपने अपराध को, जो अपने पाप को छिपा रखता है, किसी को नहीं बताता, यानी परमेश्वर के सामने कबूल नहीं करता, उसको वो छिपा कर रखता है तो वो सफल नहीं होगा। परंतु जो अपने अपराधों को मान लेता है, कबूल करता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। आमीन। परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है, वो हमें क्षमा करने के लिए तैयार है, वो आपको हमको बुला रहा है। अगर हम कबूल करेंगे, परमेश्वर के सामने अपनी गलती को मान लेंगे और माफी मांगेंगे तो परमेश्वर हमें क्षमा करने के लिए तैयार है। आमीन। क्या आप में, क्या आप लोग प्रभु के लिए, प्रभु के सामने क्षमा मांगना चाहते हैं, अपने पापों को, गुनाहों को कबूल करेंगे और छोड़ देंगे, परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे तो सच में प्रभु आपको और हमको क्षमा करेगा। वो जब कलवारी क्रूज पर लटकाया गया, जब कलवारी क्रूज पर थे, लोग उसको मार रहे थे, तो यीशु ने पिता से कहा, पिता इन्हें क्षमा करो क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। परमेश्वर क्षमा करने में बहुत अमीर है, वो आपको भी क्षमा करेगा। एक घटना मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। एक हॉस्टल में कुछ सहेली लोग हॉस्टल में थे, वो पढ़ाई कर रहे थे, तो उनमें एक बहन, वो हॉस्टल के ओनर का जो कुत्ता था उसको खोल देती है और वो बहुत दौड़ने लगता है झाड़ी की तरफ, फॉरेस्ट की तरफ दौड़ने लगता है, और ये पीछे पीछे उसके पीछे पीछे दौड़ती हैं और उसके बाद जाकर उसको ढूंढ लेती हैं। उसके पहले वो झाड़ी में पड़ा हुआ कुछ चीज को खा लेता है, कुछ जहरीली चीज को खा लेता है, और वो इस लड़की को पता नहीं था, क्योंकि ये जानबूझकर भी उसको छोड़ा नहीं था, वो अचानक में कुत्ता को छोड़ दिया और वो मिस होके, उसके हाथ से मिस होके भाग गया और झाड़ी में जाके कुछ जहरीला पदार्थ को खा लिया। और खाने के बाद इस लड़की को तो कुछ मालूम नहीं था, लेकिन वो उसको जब मिल गया वो कुत्ता, वो उसको पकड़ के लेके आई और जहां बंधा हुआ था उसी जगह बांध दिया। रात का समय था, कोई देखा नहीं था, सोचा कि कोई नहीं देखा इसीलिए वो बांध कर चली गई। और जब सुबह हुआ वो सोई रही थी और वहां पर एक क्राउड, एक भीड़ लगी थी और कुत्ता को बीच में रखा था, कुत्ता मर गया था। लेकिन कुछ बहन लोग, कुछ उसकी सहेली लोग आकर उसको बताया कि वहां पर देखो कुत्ता मर गया है, वो हमारा टीचर का, ओनर का कुत्ता मर गया है, तो क्योंकि वो कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया है, पता नहीं कौन उसको जहरीला पदार्थ खिला दिया। तब ये घबरा कर उठती है, बहुत घबरा कर उठती है। तब उन बहनों को पता, उनके सहेलियों को पता चलता है, तुम इतना क्यों घबरा रही हो, क्या तुम्हें कुछ किया है? तो उन्होंने बहुत चिंता हो जाती है और दौड़ के जाकर देखती है, सच में कुत्ता मरा पड़ा रहता है। सब लोग चिंतित रहते हैं और सोचते हैं कि कौन ऐसा किया है करके। तब ये बहुत घबरा जाती है और उसके सहेली लोग जब उनको पूछते तो क्या तुमने कुछ किया, तो उन्होंने कहा हाँ मैंने उसको कल रात मेरे हाथ से वो छुटकर भाग गया था, और जब मैं जाकर उसको पकड़ के लेके आया उसके पहले वो उसमें वहाँ पर जो कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया होगा, इसीलिए मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तो उसकी सहेली लोग कहती है ठीक है तू चिंता नहीं करना, हम किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन तू हमारे लिए कुछ मदद करना है, तब हम तुझे, तेरे बारे में किसी को नहीं बताएंगे। उसको वो टॉर्चर करने लगते हैं,
ब्लैकमेल करने लगते हैं और कहते हैं ठीक है ये हमारा कपड़ा को धो देना और हमारे कपड़े को आयरन कर देना, इस्त्री कर देना और हमारा होमवर्क को कर देना। ऐसे रोज उसको बहुत तंग करने लगते हैं, उनको ज़्यादा काम देते हैं और अपना सारा होमवर्क को उनके हाथ से करवाते हैं। ये एक तरह से उनको बहुत टॉर्चर करते हैं, ब्लैकमेल करने लगते हैं। इसको नींद नहीं रहता है और बहुत चिंता में हो जाती है, बहुत परेशान हो जाती है, सोचती है कि अगर मैं इनका काम नहीं करूंगी तो ये लोग जाकर टीचर को बोल देंगे और वो मुझे बहुत मारेंगे, बहुत पिटाई करेंगे। ऐसे बहुत चिंता में लग जाती है। उसके बाद जब ये बहुत तंग करने लगे जब वो एक दिन वो कैंपस में बैठी रहती है और ये उनका कैंपस का जो सफाई करने वाला व्यक्ति से पूछती है, अंकल अगर कोई कोई कुछ गलती कर दे तो उसको क्या करनी चाहिए? तो वो अंकल बताते हैं, बेटा कोई गलती कर देता है ना उसको हमें मान लेनी चाहिए और क्षमा मांगनी चाहिए। तब वो बहन क्या करेगी, ठीक है अंकल बहुत धन्यवाद आपने मुझे बताया करके वो तैयार हो जाती है और अपनी गलती को टीचर के सामने कबूल करने के लिए तैयार हो जाती है। सोचती है कि आज मैं जाकर मेरे टीचर के सामने सब सब बता दूंगी और माफी मांग लूंगी करके दृढ़ निर्धार करके तैयार होकर सुबह टीचर के पास जाती है। और वहां वो उसके पहले उनके सहेली लोग उनको काम देते हैं, ये करो वो करो, वो किसी का काम नहीं करती है क्योंकि वो मन में ठान लिया है आज मैं जाकर मेरी गलती को मान लूंगी, उसके बाद ये सब ब्लैकमेल नहीं होगा। तब वो जाकर टीचर के सामने सब कुछ बता देती है और रो के पश्चाताप करके क्षमा मांग लेती है। टीचर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, बेटी तूने अपनी गलती को मान लिया है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, जा मैं तुझे क्षमा कर दिया है। वो बहुत खुशी के साथ वापस अपने कमरे में आती है और वो सहेली लोग जो उनको बोलते हैं मेरा ये काम करो वो काम करो क्यों नहीं करती है, मैं जाकर टीचर को बता दूंगा, आप ये करो जल्दी करके। उन्होंने कहा मैं आज से नहीं करूंगी, ठीक है जाकर बताओ, मैंने सब कुछ टीचर से बता दिया है, मैं क्षमा भी मांग लिया है। और उस दिन के बाद वो बिल्कुल निश्चिंत रही, कोई डर नहीं रहा, सारा डर सारा चिंता सारे कंफ्यूज टेंशन सब भाग गया क्योंकि वो अपनी गलती को मान लिया, क्षमा मांग लिया, उसका दिल बहुत हल्का हो गया। हालेलुया। वैसे मेरे प्यारों अगर हम भी कोई गलती करते हैं तो परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे तो प्रभु हमें क्षमा करेगा, क्योंकि जो कोई अपने अपराध को छिपा रखता है वो सफल नहीं होगा, लेकिन जो अपने अपराध को मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। इस छोटी सी लड़की पर दया कर दिया टीचर ने। वैसे ही मेरे प्यारों अगर हम परमेश्वर के सामने जाकर अपने गुनाहों के लिए क्षमा मांगेंगे, पश्चाताप करें, कबूल करें, माफी मांगे, प्रभु जरूर हमको क्षमा करेगा और उसके बाद हमें कोई डर नहीं रहेगा। आमीन। प्रभु यीशु के नाम में इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे। कभी कभी ना बार बार शैतान हमारी गलतियों को हमें बोलता रहता, तूने ये गलती किया वो गलती किया, तुम्हें तू ऐसे होगा तुझे ऐसे होगा, क्षमा नहीं मिलेगी, ऐसे बार बार टॉर्चर करता रहेगा। लेकिन आप यीशु मसीह के सामने पश्चाताप करके क्षमा मांग लो, उसके बाद शैतान का कुछ नहीं चलेगा। यीशु आपको जब क्षमा कर देगा शैतान कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका, आप आजाद हो जाएंगे, आप खुशी से भर जाएंगे, प्रभु आपको क्षमा करेगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष करें, आप प्रभु के सामने जाइए, क्षमा मांगिए, आजाद हो जाइए, खुश हो जाइए, प्रभु आपको खुशियाली से भर देगा। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष करें। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता धन्यवाद करते हैं इन मेरे भाई बहनों को, प्रभु आशीष कर, अगर कोई गलती किया है किसी से बोल नहीं पा रहे कुछ, प्रभु उनको मदद कर ताकि वो आपके चरणों में आकर पश्चाताप करके क्षमा मांगे, आप उनको क्षमा कर, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करें। और कोई नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत जल्दी से हमें एक और नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखना, जय मसीह की, आमीन।